हम जब शहरों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ऐसा सरकार लोग पैसा देके औरतों को बिगाड़ रहा है पैसा नहीं देना चाहिए ऐसा है क्या देंगे लेकिन सब हाँ, हमारे यहाँ इधर से निकालेंगे भी बड़ी समझदार है दीदी फिर आ, क्या मतलब रहेगा देने का भाव, ये शक्कर का भाव बढ़ाएंगे बड़ा, आप तो हमारे क्या ये पैसे रहेंगे इसने हमारे पास क्या खेती कैसी हुई इस बार अच्छी नहीं हुई इसमें बीमारी क्या है खीड़, लगे हैं तो आज भाई को पैसे होना चाहिए और नाना भाव की तरफ से किसका खेत में गए थे किस खेत. आपका खेत आजी, के खेत में। आजी किस चीज की खेती होती हम है धान धान की कौन सी वाली धान है तो ऐसे होती होती है है कौन सी वाली पी अच्छा नमस्ते सोनल नाम है मेरा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव कवर करने निकले हैं हम पहुँचे थे साकोली साकोली विदर्भ की वो सीट है जहां से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले वो चुनाव लड़ते हैं पिछले चुनाव में 6000 वोटों से जीते थे इस बार ये सीट बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है क्यों इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि एनसीपी से भाजपा में शामिल हुए अविनाश ब्राह्मणकर उनको भाजपा ने टिकट दिया लेकिन बगावत के सुर उठे और फिर जो कोई है नहीं हाँ आ, और फिर जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो नाराज़ होकर इंडिपेंडेंटली उन्होंने फॉर्म भर दिया और कांग्रेस की टिकट पे नाना पटोले इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं पिछले बार परिणय फुके भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे छः हजार वोटों का ही अंतर रहा था

नाम तो बता दो नाम ज्योति ज्योति अच्छा तो ये ये आज ही आपको क्या बुलाती ये ये ज्योति बोलती है ज्योति भाई। भाई ना भाई बोलते ना और और बड़े उसको भाव बोलते हैं है हा? तो नाना भाऊ पटोले ऐसे बुलाते हैं ना सही बोल रही हूँ मैं ये वाली दीदी ने मुझे बताया कि उनको हिंदी आती है वो हिंदी बोल भी लेती है बाकी सब हिंदी समझ लेते हैं और मैं मराठी समझ लेती हूँ है ना ठीक बोल रही हूँ आजी जी तो रो, आप रोज खेत पे जाती हो रोज़ रोजाई कितने बजे 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 दस बजे दस और वापस कब आते हैं अभी अभी जैसे अभी आए। हो, हो, अच्छा वापस। तो खेती कैसी हुई इस बार अच्छी नहीं। अच्छी थी अच्छी नहीं हुई अच्छी नहीं हुई क्यों 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 उसमें बीमारी गया है धान पे तो कीड़, आ, कीड़, 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 हाँ कीड कीडे लगे है हाँ, हाँ। तो आजीबाई को पैसे होना चाहिए और नाना भाव की तरफ से नाना भाव की तरफ से आजी भाई को पैसे मिलना चाहिए हाँ। अच्छा और धान नहीं हुए तो उनके नातू कह नाती का, क्या खाएंगे तो नाती, नाती भी हुआ आज ही मिठाई खिलाओगे चला ना तो पेड़ दे चलो नहीं पिटला भाकरी खाऊंगी मैं मीठा नहीं खाती खाऊ नहीं खाऊ भाखी खाती खाई भाकरी खाती, ना, तुल्ण। ना, तुल्ण। खाती और झुनका और भाकरी खाऊंगी हाँ नागपुर नहीं खाती झुनका भाकर नहीं नागपुर में खाकर आई हाँ आम तो इकड़े नहीं खाते झुनका भाकर इकड़े नहीं खाते नहीं नहीं इधर क्या बनता है पोड़ी में। पोड़ी, पोड़ी भात क्या होता है क्या बता रही है वो क्या होता है खाने में। पोड़ी चावल। रोटी रोटी चावल। हाँ, रोटी हिंदी में रोटी बोलते हैं हाँ तो हाँध। हाँध। वो कह रही है इधर पिटला भाकरी नहीं चलता नहीं नहीं पिटला भाकरी नहीं करते अच्छा वो उधर ही चलता है ये ये विदर्भ में आता है ना ये वाला इलाका इधर पहले हम सुनते थे की इधर पर पानी का बड़ा दिक्कत था अब तालाब आ गया नदी का नदी नदी का का अच्छा तो उधर से इधर पानी आता है नहीं आता अच्छा तो खेत में पानी की कमी नहीं होती है अब नहीं, 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 पानी नहीं हो, है। होती अच्छा तो ये तालाब से वो उधर से नदी से पानी इधर कब आया कितने साल पहले तीन साल हुआ अच्छा तो ये ये काम का नाना भाव पटेले ने कराया नाना भाव पटेल नाना भाले आप लोग पहचानते हो उनको

और दीदी आप लोग का कैसे कमाई होता है बकरी चराकर बकरी चरे को पाँच की हाँ <laughs> एक बकरी क्या पाँच पाँच हजार एक साल की बकरी पाँच हजार में रहती है अच्छा जब बकरी को पाल के बड़ा कर लेते हैं। अच्छा है एक दिन में श्यम्बर अच्छा आजी इधर का इधर का आप लोग सब बता दिए काम धाम कैसा चलता है सब कुछ है इधर आप लोग को कोई को दिक्कत समस्या परेशानी होता है इधर होता है नहीं क्या, क्या क्या दिक्कत होता है हाँ लड़के की धान है झड़ी औषधि नी अड़ी नहीं पूर्ण बुढ़ीत गेला है अपना शेती पानी आले तो शेती ना नुकसान है आपली पानी जब ज्यादा आ जाता है इधर इधर बाढ़ जैसा आता है भर जाता है खेतों में अच्छा और और क्या दिक्कत है इधर के इलाके में आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है लेकिन रोज खेत में जाना पड़ता है हाँ। क्या, क्या बता रही है भाई भाई काम होना ना हम भी, भी, भी घर में घर हाँ? में से हम आम, हमें काम होना घर में काम हो ना अच्छा आप दूसरे के खेत में आपका अपना खेत नहीं है नहीं है आपका भी, भी अपना खेत नहीं है नहीं एक भी नहीं, नहीं है नहीं आपका खेत है है, तो आपके अभी धान की खेती होती है धान की खेती है आज आपकी अच्छा तो अगर मान लो जैसे मैं आपके आप यहाँ विधायक लगते हैं ना नाना भाई पटोले उनके पास जाऊँ मैं बताऊँ मैं आज ही लोगों से मिलकर आई तो क्या काम करवाना चाहोगे आप उनसे क्या दिक्कत समस्या बताओगे मुलाजना पाजे थोड़ा सा शिक्षण मुला ड्यूटी लगे पाजे नौकरी चाहिए पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज स्कूल कॉलेज अच्छा चाहिए बच्चे आपके पढ़ते हैं हाँ। कहाँ पढ़ते साकोली है साकोली हाँ। सरकारी या प्राइवेट प्राइवेट तो कितना पैसा लगता है फीस दस दस, दस लगते हैं दस, दस हजार हाँ। हाँ। साल में एक बार साल में एक बार दस हजार लगता है फी भरा रहा फी फीस हाँ। अच्छा एडमिशन फी एडमिशन फी बता रही तो कैसे देते फिर दस कैसे देता है बारह महीने सात महीने अच्छा देवाचा अच्छा तो और आपके घर वाले क्या करते चेती। चेती। खेती 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 अच्छा बकरी रखते हैं और खेती आ, करते हैं आज ही आपके घर पे भी बकरी है नहीं हम तो इकड़ी नसीब बस खेती होती बस है बस बस है दूध वाली भैंस है तो दूध बेचते भी आप अच्छा घर पे आपके कौन कौन है

तो इधर क्या नाना भा पटोले पांच साल में ऐसे नौकरी देने का कोई साधन नहीं किया। नहीं।, नहीं नहीं हुआ है हाँ। अच्छा। होना हमें भी हाँ। और और क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से मान लो जैसे कोई एक काम कर हमारे बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई फुकट होना चाहिए अच्छा फ्री छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे फ्री में होना चाहिए सरकारी स्कूल में अभी तो फ्री में है फ्री में है लेकिन उनके लिए खाना पीना सब कुछ होना ना छोटे हाँ। छोटे बच्चे हैं तो हमारे खेत में नहीं को, खेत नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है तो, तो, तो कैसे कैसे करेंगे भोजन जो मिलता है इधर नहीं मिलता स्कूल में मिलता है हाँ। मिलता है मिलता है अच्छा और फिर क्या जैसे इनके बच्चे कॉलेज में दसवीं तक मिलना चाहिए ना दसवीं तक मिलना चाहिए तो अभी कहाँ तक का स्कूल है यहाँ गाँव में सातवी तक है सातवीं तक का बारहवीं तक होना है दसवीं तक वो स्कूल लेकिन बारहवीं तक होना यहाँ अच्छा दसवीं तक है आप कह आपके लिए बारहवीं और खाना सातवीं सात तक मिलता है खाना सातवीं तक मिलता है हाँ, आठवीं से दावी वरी हाँ, ले, है। नहीं मिलता है। नहीं। अच्छा और और क्या ऐसा काम है जो आप चाहती हो कि इधर होना चाहिए या नाना भाव ने क्या ऐसा काम कराया जो आपको आप लगता कुछ है लगने अच्छा, काम दे सकते हो हमारे लिए हम घर पे बैठ के कर सकते हैं ऐसा काम दो हमें अच्छा ठीक है अब एक चीज पूछो सच सच बताओगे आप लोग ओ, लाड़की बहना योजना का पैसा भेट लैसे भेट लेना लड़के पैसे उछलात हजार रूपए साढ़े सात हजार रुपए जमा था मनते अच्छा, भी मिला कितना रुपए मिला साढ़े सात हजार साढ़े सात हजार अभी और लक्ष्मी पूजन के दिन में होने वाले थे ना हुए ना अभी नहीं आया वो नहीं नहीं वो वाला पैसा लक्ष्मी पूजन माने क्यों नहीं आए तो, तो। करके तो कर तो आपने बताए मोबाइल पे आ, आप लोग को पैसा आया मोबाइल पे ना देंगे करके वो दिए नहीं ना वो अभी आया नहीं कह रही है तो अच्छा देखो हम जब शहरों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ऐसा सरकार लोग पैसा देके औरतों को बिगाड़ रहा है पैसा नहीं देना चाहिए ऐसा है क्या तो क्या, पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए मुलाजना मुला नहीं देता का भाव बढ़ाएंगे आप तो हमारे क्या ये पैसे रहेंगे हमारे पास क्या देंगे लेकिन सब हमारे यहाँ इधर से निकालेंगे भी बड़ी समझदार है दीदी फिर क्या मतलब रहेगा देने का हाँ? भाव, कमी कर नहीं। भाव कम है करना बस एक बात और बता दो अच्छा झुनका भाकर खाने आऊंगी बस एक बात और बता दो आप लोग को इस इधर अभी जो चुनाव हो रहा है आप लोग को पता चलता है कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है कौन कौन आदमी है बताओ ना हाँ। हाँ। थुण 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 जाये। हाँ। जाये। जाये। था आप नहीं आप लोग को ऐसे कौन बताता है कोई कोई नहीं बताता हम रोज खेत में जाते हैं ना तो जब वोट देने जाते हो तो कैसे वोट देते हो कहीं पे भी मारेंगे पे भी मार देते कोई में ऐसे बोलता नहीं है कि इसको वोट डालना या ऐसा नहीं नहीं नहीं, बोलता है नहीं।, <laughs> नहीं बोलते बोलते अच्छा। नहीं नहीं ना नहीं। तो घर जातो पाय दुखते मत दया लगे मन लगता है मार्केट जाना है दीदी हमें ठीक है जाओ बायोग तो ये साकोली विधानसभा में हम जब घूम रहे थे तो हमें खेत में कुछ महिलाएं दिखी और देखी किस तरह से वो सामान उठाकर जो अपना सारा वहाँ अपने घर में जो गाय भैंस है उनके लिए लेकर आई हैं घास वास वो लेकर जा रही हैं अब उनको मार्केट जाना है तो हमने सोचा कि जरा इनसे बात की जाए जो स्कीमें इनके लिए बनती है जो योजनाएँ सरकारों की आ, बनाई जाती है वो इन तक कितना पहुंच रहा है और इनका उस पर क्या राय है मतलब क्या वो इनके लिए फ़ायदेमंद है नहीं है क्योंकि हम सब शहरों से बैठ के या अपने अपने घरों से बैठ के कोई ओपिनियन रख सकते हैं लेकिन इनके लिए उसके क्या मायने हैं उसे क्या फ़र्क पड़ता है ये क्या चाहती हैं ये नेताओं से क्या उम्मीद करती है ज़रा इसको समझा जाए आधी आबादी इन्हीं से ही होती है तो इसीलिए जितना बता पाई जो ये समझती हैं जो ये जानती है उस हिसाब से इन्होंने बात की मैं जितना मराठी समझ पाती हूँ उस आधार पर मैंने समझने की कोशिश की कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश हैं मैं सोनल हूँ हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जाएंगे अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं वो किस आधार पर वोट डालते हैं इस पैटर्न को समझने की इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे ये बातचीत आपको कैसी लगी कॉमेंट पर ज़रूर बताइएगा ललन टॉप देखते रहिए शुक्रिया